नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर छिंदवाड़ा से, जहां जिले में यूरिया को लेकर प्रशासन सख्त हो चुका है। किसान कल्याण विभाग तथा कृषि विकास के अधिकारी का कहना है कि छिंदवाड़ा जिले को 60,900 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध हो चुका है। खरीफ की फसल के मौसम में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर 4 FIR दर्ज और 5 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। वहीं 4 कंपनी को प्रतिबंधित किया गया है। जहां एक तरफ यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, वहीं अधिकारी यूरिया की मांग को लेकर सभी किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। यूरिया की वास्तविक रूप से कमी जिले में है नहीं। आप देखेंगे अभी तक प्रशासन द्वारा जिले को लगभग 60,900 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है इस खरीफ मौसम में। तो और आपने ये भी देखा होगा कि मक्का का एरिया भी इस बार कम हुआ है। यूरिया की मात्रा कम लगनी चाहिए, जहाँ गत वर्ष की तुलना में हमारे पास आया जरूर कम है, पर जो वितरण है वो गत वर्ष की तुलना में ज़्यादा है। जहाँ गत वर्ष 15 अगस्त तक हमारे यहाँ केवल 54,000-55,000 मीट्रिक टन यूरिया वितरण हुआ था, वहीं इस वर्ष 60,000 मीट्रिक टन के ऊपर यूरिया वितरण हो चुका है, वो प्राप्त हो। यूरिया की कालाबाजारी को भी लेकर सर कार्रवाई की गई है? यूरिया की कालाबाजारी को लेकर विभाग द्वारा इस बार बहुत कार्रवाइयाँ की गई है। 4 FIR हमने उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध दर्ज कराई है। 5 विक्रेताओं के लाइसेंस को निलंबित किया है। 3 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए हैं। इसके अतिरिक्त 4 ऐसी कंपनियां जो हमारे स्तर का उर्वरक जिले में विक्रय कर रही थी, उन 4 कंपनियों को हमने जिले में प्रतिबंधित भी किया है। छिंदवाड़ा से आशीष मालवी की रिपोर्ट।